त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। गुरुवार को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पारंपरिक तरीके से इंदौर में इस त्योहार को मनाया। कैलाश विजयवर्गीय ने इस दौरान जमकर पतंगबाजी की और गिल्ली डंडा भी खेला। इंदौर के नंदीग्राम मैदान में गुरुवार को कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर क्रमांक 2 से विधायक रमेश मेंदुला व भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मकर संक्रांति का पर्व मनाया। उन्होंने यहां गिल्ली डंडा खेला और पतंगबाजी की। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, गिल्ली डंडा हमारे बचपन का खेल है, लेकिन अब यह हमसे दूर होता जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय ने इस दौरान पतंगबाजी करते हुए कई पतंगों को काटा। मकर संक्रांति के अवसर पर मित्रों संग परंपरागत खेलों को खेलकर तिलगुड़ के मिठासपूर्ण त्योहार को मनाया। वहीं इंदौर के चिमनबाग मैदान, दशहरा मैदान, सुगनी देवी ग्राउंड, मल्हारगंज सदर बाजार, मुंबई बाजार, मूसाखेड़ी व शहर के विभिन्न इलाकों में मकर संक्रांति पर सुबह से ही बच्चे और बड़ों में पतंगबाजी तो कहीं गुल्ली डंडे खेलते नजर आए। वहीं पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता द्वारा भी अपने कार्यकर्ता और मित्रों के साथ में जमकर पतंगबाजी करते नजर आए। देखिए, ये जो कोविड का पीरियड आया तो उस समय कलालियां भी बंद थी, पर जो लोग आदी थे पीने के, उन लोगों ने, उनको पीना था तो थोड़ी थोड़ी कच्ची शराबें कहीं कहीं बनने लग गई उस दौरान। ऐसे लोग जो गलत तरीके से शराब बनाकर बेचते थे, उस समय में सब लोग बंद रहते थे, पर जो लोग चालू थे वो चालू थे, अपना काम कर रहे थे चुपचाप। इसके कारण ये सब हुआ है जो मुझे अधिकारियों ने बताया है, पर मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बड़ी ताकत से उन्होंने इन गतिविधियों को रोकने की कोशिश की है। अधिकारी जिसके लिए जिम्मेदार है उनको भी चिन्हित किया है, ये अच्छी बात है। कल बंगाल में आपके बयान को लेकर काफ़ी विवाद की स्थिति हुई है। देखिए, ममता जी हर चीज़ को क्रेडिट लेना चाहती है। ये जो पहला 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करने का काम जो मोदी जी ने लिया है, वो केंद्र सरकार कर रही है। केंद्र सरकार वैक्सीन भेज रही, केंद्र सरकार सिरिंज भी भेज रही, केंद्र सरकार कोल्ड चेन भी भेज रही है, और राज्यों को ये कहा है कि आप कोविड वॉरियर्स को पहले लगाइए, जिन्होंने खूब सेवा की, जो फ्रंट लाइन में जिन्होंने काम किया, उनको केंद्र सरकार अपने खर्चे से लगाएगी, बाकी राज्य सरकारें अपने पर। वहाँ पर ममता जी ने एक चिट्ठी लिख दी कि बंगाल में हम निःशुल्क लगा रहे हैं, तो वो गाना है कि अपने देश का कपड़ा और मोहर लगी जापान की, जय बोलो बेईमान की जय बोलो। एक मनोज कुमार की पिक्चर थी, शायद परिचय नाम था, कौन सी पिक्चर थी, उसका गाना था। तो लोग मोदी जी का वैक्सीन और मोहर ममता जी लगा रही, इसलिए मैंने ट्वीट किया था। और कुल मिलाकर वहाँ पर हिंसा की राजनीति है, वहाँ पर अल्पसंख्यक समाज बहुत एग्रेसिव रूप से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमले कर रहा है। उनको लगता है क्योंकि उसमें घुसपैठिए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो घुसपैठिए आइडेंटिफाई होंगे, उनको वहाँ पर अवैध गतिविधि करने का मौका नहीं मिलेगा। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में योगी जी ने गुंडों के बाजे बजाए, इसी प्रकार यहाँ पर भी परेशानी हो सकती है। इसलिए इस प्रकार के लोग जो गलत गतिविधियों में हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को बढ़ने से रोकना चाहते हैं, पर बहुत बड़ा समाज बंगाल का, भद्र समाज, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हम निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे। तरीके से साउथ में पोंगल के रूप से मनाते हैं, आसाम में बहू के रूप में आज रात भर जश्न चलता है। मैं एक बार मकर संक्रांति पे आसाम में रहा, पर वहाँ पर नॉनवेज का बड़ा वो है, तो मैं देखने जरूर गया था वहाँ बहू कैसे मनाया जाता। तो रात भर लोग नृत्य करते हैं, भजन करते हैं, बुज़ुर्ग लोग, नौजवान लोग नाचते हैं और रात भर जश्न मनाते हैं। यह जश्न इसलिए मनाते हैं कि अब छोटे दिन गए, अब कल से बड़े दिन आएंगे, और बड़े दिन देवायन दिन बोलते हैं इसे, देव के दरवाजे खुलते हैं ऐसा माना जाता है। तो इसे मांगलिक कार्य भी कल के बाद प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये सब जीवन को एक संदेश देने वाला त्यौहार है कि आप, गत वर्ष हमारा बड़ा निराशा में गया, कोविड ने हर व्यक्ति को प्रभावित किया, समाज में डिसिप्लिन भी आया है, लोग खाने पीने व्यायाम में सब लोग ध्यान देने लगे हैं, तो एक अच्छा संदेश भी है। हमेशा ठोकर जब व्यक्ति खाता है तो संभलता है, मुझे लगता है कोविड ने समाज को एक बहुत बड़ी ठोकर दी है, जिससे समाज में एक अवेयरनेस आई है स्वास्थ्य के प्रति, खान पान के प्रति। तो इस मकर संक्रांति से हम लोग संकल्प लें
कि प्रतिदिन व्यायाम करें, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, अच्छी चीज़ें खाएं, बच्चों को मैदे की चीज़ से बचाएं। मैदा बच्चों के लिए जहर होता है, उनकी इम्यूनिटी पावर कम करता है, तो बच्चे बार बार बीमार होते हैं। इसलिए बच्चों को क्या खिलाना इस बारे में ज़रूर विचार करना चाहिए। तो मकर संक्रांति का दिन संकल्प लेने का दिन है, अपने बच्चों को अच्छा रखें, अपने परिवार में खुशी हो, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कितना बड़ा भी संघर्ष हो पर इच्छा शक्ति कम नहीं होना चाहिए। आप काम करें, पहाड़ सरी की चुनौती हो, यदि व्यक्ति संकल्प ले तो उस पहाड़ सरी की चुनौती को भी डस्ट में बदल सकता है। ये इच्छा शक्ति होना चाहिए व्यक्ति में। तो ये आज पूछना है भाई साहब, एक कांग्रेस की तरफ से शर्मनाक बयान सामने आया लड़कियों की उम्र को लेकर। कहा जा रहा है कि 15 साल की उम्र में जो है लड़कियां प्रजनन के लिए तैयार होती है, ऐसा बयान भी कहीं कहीं कांग्रेस के लीडर सज्जन सिंह वर्मा ने। देखिए, ये संस्कारों की कमी के कारण इस प्रकार के बयान आते हैं। अब संस्कार उनके माँ बाप ने अगर नहीं दिए तो वो बेचारे कृपा के पात्र हैं, उनके ऊपर दया करना चाहिए। तो उसके ऊपर कोई, अब उनको माँ बाप ही ऐसे मिले तो कोई क्या कर सकता है। अच्छे माँ बाप हो तो अच्छे संस्कार मिलते। आप बताइए भाई साहब, आज के आयोजन के बारे में। सर्वप्रथम तो मैं शहरवासियों को, सबको मकर संक्रांति की बधाई देता हूँ। और हमारे हिंदू धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। और आज हमारे संता कर्म भूमि के सभी पदाधिकारियों के द्वारा मकर संक्रांति के उपलक्ष में श्रीराम मंदिर निर्माण जो अभियान चल रहा है उसका संदेश घर घर तक पहुंचाने के लिए ये पतंगे उड़ाई जा रही है। कि निर्माण अभियान में जो धन संग्रह अभियान चल रहा है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, और तीर्थ जो स्थल है उनके जो ट्रस्ट हैं उनकी तरफ से जो धनराशि एकत्रीकरण अभियान चल रहा है, उसमें हम सब लोग सहयोग करें और भगवान श्री राम का जो मंदिर है वो भव्य बने, ये हम सब की इच्छा है। और ये संदेश हम घर घर तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं।